Morning students, welcome to class 8, chapter number 5, the industries from the geography portion. Students, in our last class we discussed about the iron and steel industries and also discussed the major iron and steel hub of the world and the India, in which we discussed about the Jamshedpur situated in the Jharkhand, and second we discussed about the other countries. सो स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आयरन और स्टील जो इंडस्ट्रीज थी उसको हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने जमशेदपुर के अंदर जो टिस्को नाम से स्टील और आयरन इंडस्ट्री चलती है उसके बारे में जाना, ठीक है। और इसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी सेंट पीटर्सबर्ग की, ठीक है, जो कि वर्ल्ड के अंदर आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। तो इस तरह से हमने इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज के जो बच्चों हमारी क्लास है उसमें हम लोग आज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि हम लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें जब हमने ब्रिटिश टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कॉटन इंडस्ट्रीज के बारे में। और कॉटन इंडस्ट्रीज में हम लोगों ने ये जाना कि इंडिया का जो कॉटन क्लोथ था, कॉटन टेक्सटाइल था, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा फेमस था। उसका कारण क्या था कि एक तो इंडिया के अंदर जो कॉटन बनता था वो अच्छी क्वालिटी का था, और सेकेंड थिंग ये थी कि कॉटन टेक्सटाइल हैंडमेड होता था, हैंडलूम से बनता था, ठीक है। इसीलिए ये ज्यादा कह सकते हैं कि महंगा भी होता था, हाई प्राइस रेट होती थी, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन बाद में हमने ये भी पढ़ा कि धीरे धीरे इंडिया के अंदर जो कॉटन था उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो ब्रिटेन को या इंग्लैंड को किया जाता था, जिसके कारण इंग्लैंड की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे बंद होने लगी। और इसी बात के डर से इंग्लैंड के अंदर बाद में इंडियन क्लोथ को बैन कर दिया गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, और यहीं से रिलेटेड हम लोग और भी बात करेंगे, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की भी बात करेंगे, अहमदाबाद की बात करेंगे और जानेंगे कुछ खास बातें। इससे पहले बच्चों ये जानेंगे कि आप लोगों ने जैसे कि साइंस में भी ये चीजें पढ़ी होगी कि कॉटन जो है ना, या जो सॉरी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़ा बनता है, इसमें टेक्सटाइल टू टाइप के रॉ मटेरियल से बनता है। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है मेड मेड फाइबर। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं बच्चों। फाइबर का मतलब होता है धागा या रेशा, जिसे बाद में कपड़े की बुनाई की जाती है। तो फाइबर जो है किसी भी टेक्सटाइल कंपनी के लिए या इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल होता है, मतलब फाइबर से ही बाद में फैब्रिक बनता है या कपड़ा या टेक्सटाइल बनाया जाता है। तो जिस तरह से बच्चों हम लोगों ने आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में पढ़ा था कि आयरन ओर है, लाइमस्टोन है ना, मैग्नीज है, ये सारी चीजें क्या है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है, मतलब इनके बिना आयरन और स्टील नहीं बन सकता। उसी तरह से कॉटन टेक्सटाइल के लिए मतलब या टेक्सटाइल के लिए मतलब कपड़ा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है फाइबर। फाइबर का मतलब होता है नॉर्मली धागा, ठीक है, क्योंकि धागे से बुनाई करके ही बाद में टेक्सटाइल तैयार होता है, और टेक्सटाइल का मतलब ही क्या होता है, कपड़ा, ठीक है। तो फाइबर जो है बच्चों वो टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है मेन मेड फाइबर। नेचुरल फाइबर मतलब वे रेशे वे धागे जो हमको नेचर से मिली हुई चीजों से बनते हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ आता है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, ये सारे मैन मेड फाइबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फाइबर पर डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल फाइबर होता है, और फाइबर टू टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर, ठीक है। तो ये तो हो गए बच्चों बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ में आपको ये भी बताएं कि जैसा हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन या कोई इंडस्ट्री कहाँ पर ज्यादा डेवलप होती है उसके लिए सबसे पहले कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, तो बच्चों टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वहां पर ज्यादा लगती है, वहां पर ज्यादा लोकेट होती है, जहां पर एक तो ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट मिलता है, जहां पर कॉटन की प्रोडक्शन होता हो, मतलब या मान लीजिए सिल्क इंडस्ट्री है तो सिल्क का प्रोडक्शन होता हो, तो इसी के साथ में रॉ मटेरियल जहाँ पर मिलेगा वहीं पर कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगेगी। दूसरी चीज वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ ज्यादा होगा वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप होती है। तो इस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है बच्चों, कि जहाँ पर जितनी ज्यादा सुविधाएं होगी, फेवरेबल कंडीशंस होगी, वहां पर ये इंडस्ट्रीज ज्यादा ग्रो होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। बेसिकली हम लोग यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, मतलब सूती कपड़े की मिलें,
ठीक है। और इसी के साथ में अगर लोग हम लोग देखें कि अगर फाइबर की बात करें, या ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल जो है कितने तरह के फाइबर से बनता है, तो देखिए बच्चों कि कॉटन, वूल, सिल्क, जूट हैव बीन यूज्ड फॉर द फ्लोरेशिंग क्लॉथ। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया कि जैसे मान लीजिए कॉटन है, जूट है, वूल है, सिल्क है, इन सब का यूज जो है टेक्सटाइल बनाने में किया जाता है, मतलब कपड़े की बुनाई में किया जाता है। इसी के साथ में देखें टू टाइप ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वो टू टाइप पर बेस्ड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू टाइप की है, ठीक है। पहला हो जाएगा नेचुरल फाइबर और दूसरा हो जाएगा मेन मेड फाइबर। कुछ इंडस्ट्रीज जिनके अंदर नेचुरल फाइबर का यूज होता है और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पर मेन मेड फाइबर का यूज किया जाता है और नया टेक्सटाइल बनाया जाता है, कपड़े की बुनाई की जाती है, ठीक है। अब देखिए बच्चों पूरे वर्ल्ड के अंदर या इंडिया की भी बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट और इंडिया की भी सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मानी गई है। मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी इंडिया की हिस्ट्री के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड भी थी और बहुत अच्छी कह सकते हैं कि तरीके से डेवलपमेंट कर रही थी, ठीक है ना। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, ये ध्यान रखें। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही समय से पहले से चले आ रही है, जब इवन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नहीं थी, जब मशीनरी नहीं थी तब भी हैंडलूम से कॉटन टेक्सटाइल बनाया जाता था, तो इसी कारण से कॉटन टेक्सटाइल सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है, ठीक है। अगला देखें 18th सेंचुरी द कॉटन वर मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग एंड टेक्निक्स एंड द लूम। अब शुरुआत में बच्चों जब मशीनरी नहीं थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रखा था, उस समय जो कॉटन बनता था 18th सेंचुरी तक की बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं, 18th सेंचुरी तक जितना भी कॉटन टेक्सटाइल बनता था वो हैंडमेड टेक्निक से बनता था या हैंडलूम का यूज किया जाता था, ठीक है। तो कहने का मतलब हाथ से धागे की बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे स्टीम इंजन बनते गए, है ना, या फिर ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लूम बनते गए, तो बाद में जब मशीनरी का डेवलपमेंट हुआ तो धीरे धीरे बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ भी बढ़ने लगी। और जहाँ पर पहले कॉटन टेक्सटाइल को हैंडमेड या ये कह सकते हैं कि पहले हैंडमेड क्लॉथ होता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन मशीनरी पर डिपेंड होने लग गया। तो जब मशीनरी पर प्रोडक्शन डिपेंड हुआ तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होने लग गया, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब 18th सेंचुरी तक कॉटन क्लॉथ की जो कॉटन टेक्सटाइल बनाने का जो काम था उसके अंदर हैंड स्पिनिंग टेक्निक और लूम का यूज किया जाता है। हैंड स्पिनिंग मतलब हाथ से इसकी बुनाई की जाती थी और लूम का यूज किया जाता था। लूम बच्चों एक लकड़ी के तख्ते से बनी हुई एक मशीन होती है जिसको हाथ से चलाया जाता है और हाथों से धागों की बुनाई की जाती है। तो पहले जब मशीनरी नहीं थी, जब इंडस्ट्रीज नहीं थी बड़ी बड़ी, तो बच्चों बिना मशीनरी के हैंडलूम से ही धागे की बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था, ठीक है। इसके बाद देखें पावर लूम फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन। अब देखिए धीरे धीरे बाद में सबसे पहली बार पावर लूम डेवलप हुए। पावर लूम मतलब मशीन से चलने वाले लूम, है ना। और ये जो पावर लूम डेवलप हुए ये हुए थे ब्रिटेन के अंदर, इसीलिए ब्रिटेन के अंदर वर्ल्ड के अंदर सबसे पहली बार कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी वो लगाई गई, सूती कपड़े की मिलें लगाई गई और यहाँ पर बड़ी बड़ी पावर लूम का यूज किया गया, खूब सारे कॉटन क्लोथ का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखें मेजर कंट्रीज। अब बच्चों अगर हम बात करें कि वर्ल्ड लेवल पर कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करने वाली कुछ मेजर कंट्रीज कौन सी है जहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन के कपड़े का कह सकते हैं कि प्रोडक्शन होता है, तो देखिए बच्चों इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए। इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए वर्ल्ड की कुछ फेमस सेंट्रलाइज्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा हम बात करें बच्चों कि आपको अगर हिस्ट्री से अगर इस के चैप्टर को या इस टॉपिक को कनेक्ट करें तो हम लोगों ने पढ़ा था मसलिन के बारे में, हमने पढ़ा था छीट के बारे में, हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि कैल्पोस नाम का जो कपड़ा होता है जो कालीकट में मिलता था, ये कुछ वर्ल्ड लेवल पर फेमस टेक्सटाइल थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इंडिया के अंदर कुछ जो फेमस कॉटन टेक्सटाइल थे उसमें कौन कौन से आते थे, तो द मसलिन ऑफ ढाका, ढाका का मसलिन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। दूसरा आ जाएगा छीट ऑफ द मछलीपत्तनम, छीट का कपड़ा, ठीक है, जिसमें बच्चों मैंने बताया था कि नील जो होती है, जो इंडिगो होती है, उसका प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो छीट थी
ये मछलीपत्नम की फेमस थी। इसी के साथ में देखिए बच्चे, कैल्कोस ऑफ कालीकट एंड सूरत एंड वडोदरा, और कैल्कोस नाम का जो कपड़ा था जो कालीकट से आता था बहुत ही फेमस था। इसके अलावा सूरत और वडोदरा का जो कॉटन का कपड़ा था वो पूरे वर्ल्ड में अपनी क्वालिटी के लिए और इसी के साथ में अपने डिजाइन के लिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड जब इंडिया में स्टार्ट होता है, जब अंग्रेज भारत आए, तो धीरे धीरे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो थी बच्चों पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है ना, और पूरी तरह से इंडस्ट्रीज बंद हो गई। ये जो हैंडीक्राफ्ट और जो लूम फैक्ट्रीज थी उनको अंग्रेजों ने पूरी तरीके से बर्बाद करके एक्सप्लोइट करके रख दिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉटन क्लोथ के टाइप्स हैं जो इंडिया के अंदर फेमस थे। इसके अलावा देखिए द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहली बार कॉटन टेक्सटाइल की मिल कहाँ लगी, तो बच्चों को ये मिल स्टार्ट हुई थी मुंबई के अंदर। और कब स्टार्ट हुई, तो 1854 के अंदर सबसे पहली बार भारत के अंदर मुंबई में ही पहली कॉटन की मिल लगाई गई। और यहाँ पर इस मिल को लगाने का कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पर सारे वो फैक्टर थे जो इस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी इंडस्ट्री जब कहीं पर लोकेट की जाती है, जब कहीं पर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट होती है बच्चों, तो उससे पहले कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पर मुंबई की हम लोग बच्चों अगर बात करें तो मुंबई के आसपास का जो रीजन है या जो कंडीशन है वो बिल्कुल कॉटन टेक्सटाइल की ग्रोथ के लिए फेवरेबल थी। जैसे देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ द वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, मुंबई का जो क्लाइमेट है बच्चों ये वार्म मतलब गर्म लेकिन मॉइस्ट क्लाइमेट है। मॉइस्ट का मतलब होता है जहाँ हवा के अंदर नमी होती है। ठीक है, इसी के अलावा स्किल्ड लेबर यहाँ पर मिलते हैं, मतलब वे लोग या वे मजदूर, लेबर मतलब मजदूर या मजदूरी करने वाले लोग जो यहाँ पर इन मेलों के अंदर चीप प्राइस पर या चीप वेजेस पर भी काम करते हैं। तो यहाँ पर मुंबई के अंदर एक तो जो क्लाइमेट है वो सुटेबल है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, दूसरा यहाँ पर काम करने के लिए जो वर्कर्स हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, तीसरा पोर्ट फॉर द इम्पोर्टिंग मशीनरी। इसी के अलावा आपको ये भी पता बच्चों मुंबई जो है वो सी पोर्ट के पास में है, इसीलिए यहाँ पर जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में भी बड़ी आसानी रहती है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण मुंबई के अंदर सबसे पहली बार ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट की गई। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम मुंबई के अलावा बच्चों बात करें तो कुछ और भी स्टेट है जो कॉटन टेक्सटाइल की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है। जैसे देखिए एक तो आ गया महाराष्ट्र, एक आ गया गुजरात। गुजरात और महाराष्ट्र इंडिया के कुछ और फेमस स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर जो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना ये अपनी कपड़े की क्वालिटी के लिए फेमस है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, सूरत है, वडोदरा है, मुंबई है ना, तो इस तरह से। फिर आता है बच्चों जिस तरह से कल हमने क्लास में बात की थी कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया लेवल पर कुछ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की, उसी तरह से आज हम लोग वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर दो ऐसी जगहों की बात करेंगे, दो ऐसी प्लेसेस की बात करेंगे जो कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस प्लेसेस है। जैसे पहला अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अहमदाबाद जो है वो इंडिया का मैनचेस्टर माना जाता है। बच्चों मैनचेस्टर वैसे तो इंग्लैंड के अंदर है और ये मैनचेस्टर पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉटन टेक्सटाइल का हब माना जाता है, इसीलिए इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा गया है, क्योंकि पूरे इंडिया में अहमदाबाद का जो कॉटन का कपड़ा है वो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला ये रीजन है, इसीलिए अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक तो बात करेंगे बच्चों अहमदाबाद की, और एक हम बात करेंगे जापान के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है ओसाका, और ये ओसाका भी अहमदाबाद की तरह ही जापान का मैनचेस्टर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है और अच्छी क्वालिटी का चीप प्राइस रेट पर ये कॉटन पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज के अंदर सेल किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों आज हम लोग अहमदाबाद की और ओसाका की बात करेंगे। तो सबसे पहले अहमदाबाद, आप सबको पता है अहमदाबाद कहाँ आया हुआ है, तो ये है गुजरात स्टेट के अंदर। ठीक है, तो देखिए आप अहमदाबाद इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर, अहमदाबाद जो सिटी है ये साबरमती रिवर के पास आई गई है। आपको साबरमती से कुछ याद आया होगा गांधी जी के बारे में, और गांधी जी का जो आश्रम है साबरमती आश्रम ये इसी साबरमती रिवर के पास में ही है और अहमदाबाद सिटी के अंदर पड़ता है। तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर है और
और साबरमती रिवर के पास में। और यहाँ पर सबसे पहली मील लगाई गई थी 1859 के अंदर, अहमदाबाद में सबसे पहली मील कब लगाई गई 1859 के अंदर। और इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करने में सेकंड नंबर पर कौन है? अहमदाबाद। फर्स्ट नंबर पर कौन है? मुंबई। तो मुंबई के बाद सेकंड नंबर किसका आता है? अहमदाबाद का आता है। तो सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी, ये इंडिया की सेकंड नंबर पर आने वाली टेक्सटाइल सिटी है, फर्स्ट नंबर पर आता है मुंबई। तो इस तरह से बच्चों ये जो कुछ इंडस्ट्रीज है जो अहमदाबाद के अंदर लोकेट है, तो इसको ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वैसे तो मैनचेस्टर जो है वो कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर है, लेकिन जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में मैनचेस्टर फेमस है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, उसी तरह से ये अहमदाबाद भी फेमस है, इसीलिए अहमदाबाद को इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अहमदाबाद के अंदर ही कॉटन टेक्सटाइल इतनी ग्रोथ क्यों कर पाया? तो मैंने भी आपको बताया कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण कोई इंडस्ट्री ग्रोथ करती है। तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर अहमदाबाद के अंदर ही इतनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्यों है, तो देखिए पहली चीज आ गई क्लाइमेट साइड में। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मॉइस्ट और वार्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, जो हमको कहाँ मिलता है? अहमदाबाद में ऐसा क्लाइमेट मिलता है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, यहाँ पर जमीन जो है वो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए कह सकते हैं कि सूटेबल जमीन है। दूसरा हो जाएगा रॉ मटेरियल, बड़ी आसानी से इन इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन जो है वो मिल जाता है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी यहाँ पर अहमदाबाद में आसानी से हो जाती है। तीसरा हो जाएगा स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड का मतलब, स्किल्ड मतलब बच्चों होता है वे लोग जिनको काम को सही टेक्निक से करना आता है, और सेमी स्किल्ड मतलब जिसको इन इंडस्ट्रीज में काम करने की कुछ टेक्निक पता है। ठीक है ना, तो इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर काम करने के लिए लेबर भी मिल जाता है। और दूसरा हो जाएगा डेवलप्ड रेलवे एंड रोडवे, यहाँ का रोडवे और रेलवे भी बहुत डेवलप्ड है, इसीलिए सामान को लाने और ले जाने में आसानी रहती है। और दूसरा इजी ट्रांसपोर्ट इन फाइंड, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बड़ी आसानी से और बड़ी सुविधा के साथ मिल जाता है, इसी कारण से अहमदाबाद के अंदर ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इतनी ग्रोथ कर पाई है। ठीक है, तो ये तो था बच्चों अहमदाबाद के बारे में। अब बात करते हैं ओसाका। ओसाका आया हुआ है बच्चों जापान के अंदर एक सिटी है, और जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर फेवरेबल कंडीशन मिलती है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, उसी तरह से अगर हम बात करें कि ओसाका के अंदर भी आसपास से रॉ मटेरियल जो है दूसरी कंट्री से मंगाया जाता है, क्योंकि ओसाका के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता, तो दूसरी जैसे इजिप्ट है, चाइना है, यूएसए है, यहाँ से कॉटन मंगवाया जाता है, और बाद में इस ओसाका के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर अच्छी क्वालिटी का कॉटन टेक्सटाइल इस रॉ मटेरियल से तैयार किया जाता है, और बाद में उस कपड़े को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ओसाका के अंदर रॉ मटेरियल ना होते हुए भी ये जो सिटी है जापान की मैनचेस्टर कहलाती है, और सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करती है जापान के अंदर। तो देखते हैं बच्चों ओसाका जापान के अंदर एक सिटी है, ठीक है, और इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ जापान कौन है? ओसाका। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन है? अहमदाबाद। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्लाइमेट बहुत ही सूटेबल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे देखिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म और ह्यूमिड है, इसीलिए यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल जो है वो सूटेबल है इस चीज के लिए। दूसरा हो जाएगा सफिशियंट वाटर फ्रॉम द रिवर योदो। अब जो यहाँ पर आपको पहले भी बताया था कि कोई भी इंडस्ट्री हो वहाँ पर वाटर की सप्लाई भी बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर ओसाका के अंदर एक रिवर है बच्चों योदो रिवर, जहाँ से इन इंडस्ट्रीज को कह सकते हैं कि पानी की अवेलेबिलिटी या वाटर की सप्लाई बड़ी आसानी से हो जाती है। और इसी के साथ में देखिए कॉटन इज इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए। अभी मैंने बताया कि ओसाका के अंदर कॉटन का प्रोडक्शन नहीं होता, मतलब कॉटन की खेती नहीं होती, कॉटन का जो प्लांट होता है, इसीलिए ओसाका के अंदर कॉटन पहले दूसरी कंट्री से मंगवाया जाता है, कॉटन रॉ मटेरियल है बच्चों। ठीक है ना, तो पहले चाइना, इंडिया, इजिप्ट और यूएसए से ये लोग खरीदते हैं कॉटन को, और फिर उस कॉटन से कपड़ा या टेक्सटाइल बनता है, और फिर उस फिनिश गुड को पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एंड फिनिश प्रोड्यूस इज एक्सपोर्टेड ऑन द रॉ प्राइस, और जो भी सामान या जो कपड़ा बनता है उसको बाद में बेच दिया जाता है, और वो भी लो प्राइस पर। और इस कपड़े की क्वालिटी बच्चों बहुत अच्छी होती है इस टेक्सटाइल
टेक्सटाइल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ओसाका जो है वो जापान का मैनचेस्टर माना जाता है। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जिसमें हम लोगों ने अहमदाबाद ओसाका के बारे में पढ़ा, इंडिया की फर्स्ट मेल मुंबई के अंदर लगी ये हमने जाना, सेकेंड जो प्लेस है वो अहमदाबाद का है, कॉटन टू टाइप के फाइबर पर डिपेंड करता है, नेचुरल और मेड मेड फाइबर पर। तो इस तरह से कुछ खास बातें हैं जो हमने इसमें डिस्कस की हैं। तो बच्चों आज की जो क्लास है आपकी यहीं पर होती है ख़त्म, क्योंकि आज का ये जो चैप्टर है ये भी आज की क्लास के साथ में यही फिनिश होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।